उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में 5 दिन से गायब था नाजिम शख्स, मिली लाश, मच गया हड़कंप। जी हाँ, बिजनौर के टिक्कूपुर गांव में बड़ा मामला सामने आया, जहां 5 दिन से गायब नाजिम नाम के लड़के की तालाब में लाश मिल जाने से गांव में सनसनी फैल गई। बता दें कि राजवीर नाम का शख्स नाजिम को बुलाकर अपने साथ ले गया था। वहां परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंचा भारी पुलिस फोर्स। बता दें कि बिजनौर के टिक्कूपुर गांव के रहने वाले अब्दुल हकीम का 35 वर्षीय पुत्र नाजिम 13 तारीख की शाम को अचानक गायब हो गया था। नाजिम कुछ ही दिनों में सऊदी अरब भी जाने वाला था, जिसकी वह तैयारी भी कर रहा था। नाजिम की लाश उसके घर के पास ही एक तालाब में मिल जाने से खबर से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाजिम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी नाजिमा, क्या घटना? 5:10 पर लाइट भागी, मैं छत पर बैठी हुई थी, 4 जने भेद कर गए। मरने वाले क्या लगते थे आपके? भाई थे मेरे, भाई तो 5 रात हो गई नमाजी नमाज पढ़ने के। कितने दिन के बाद ये लाश मिली, कब से लापता थे? 5 दिन के बाद जी। और मैंने कहा चाचा भी नमाजी गया, मैं कहे भद्दे नहीं कह रहा, मैं जगह भी बताई आई और जौन सी गली में भागे, गली में बताऊ और मैं छत पर बैठी। किसके साथ गए थे, कौन बुला के लेके गया था? राजवीर बुला के ले गया था नाजी मुरा को, राजवीर ले गया, बुला को राजवीर बुला के ले गया। सुबह भद्दे नहीं, 4 जने गली भी दिखाई, हाजी खिलाफत बोल ले पूरा गया। मैं बोली भद्दे नहीं गे रहा, सुबह भद्दे नहीं, सुबह मैं छत पर बैठी थी और छत मिली लाइट नहीं थी सर, लाइट नहीं थी सर, लाइट नहीं थी, अंधेरा में एकदम। कौन थे ये मरने वाले जो थे, कौन थे आपके भाई? मेरा छोटा। अच्छा, कब से लापता थे? 13 तारीख की शाम से। किसके साथ गए थे, क्या है पूरी बात बताओ? ले गया था। अच्छा, फिर 7:30 बजे तक फिर गुम हो गया, फिर पता चला उसका कहाँ ले गया था। जोड़ी के भी 3 दिन पहले सब कुछ खंगाल ली थी, गोताखोर भी आ गए थे, इसमें कुछ नहीं था, ये 8 डाला गया। नहीं, जब ये लापता हुए थे आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी? जी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। अब क्या आप लोग क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम। जी बताइए, क्या घटना हुई है? 13 तारीख थी और 7:02 पे नाजिम कैमरा में आया है और कैमरे में आने के बाद 7 बजे गैप हो चुका नाजिम। क्या घटना हुई है, पूरी घटना बताइए। पूरी घटना ये है, राजवीर के साथ 5 बजे से 7 बजे तक राजवीर के साथ रहा है, राजवीर खुद कह रहा है मेरे पास था, हमने पुलिस को एक्शन दिया है, रसीद दी है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कब 4 दिन 5 दिन से हम इनकी कुसामत कर रहे हैं, इन्हें कोई कार्रवाई नहीं की थी। जब हम कप्तान साहब के पास शाम पहुंचे बंगले पे, तो जब इनने कार्रवाई कही है और राजवीर है इसमें और लंबो। आज कितने दिन बाद लाश मिली? 5 दिन बाद। कैसे मिली, कैसे ढूंढा आप लोगों ने? सुबह 14-15 तारीख में हमने तालाब छान मारा, 15 तारीख में तालाब में कुछ नहीं मिला, तो हमने बैराज पे से वे मंगाए जो कोल, तो उनने भी कुछ नहीं मिला। सुबह 5 बजे लाश गिर चुकी थी, बत्ती भागी हुई थी, सब नमाज पढ़ने गए थे, तो हमने रोजे मारा। आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते? हम चाहते हैं खून का बदला, फांसी होनी चाहिए, पुलिस ने कोई एक्शन हमारे साथ नहीं लिया, उनके साथ 13 तारीख से कप्तान साहब से हमें मिलने नहीं दिया, कप्तान साहब से मिलने दिया, बिल्कुल नहीं मिलने दिया है। क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि थाना कोतवाली के ग्राम टिक्कोपुर के 36 वर्षीय नाजिम पिछले 3 दिन से मिसिंग थे। आज उनकी डेड बॉडी घर के सामने 15 कदम दूर तालाब में मिली। पुलिस को शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम पैनल द्वारा एवं वीडियोग्राफी के साथ कराई जाएगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।